हाँ जी, देखिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन के नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम क्या है, देखिए इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? द रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स दैट, मैं लिख देता हूँ, द रिमाइंडर थ्योरम, जो रिमाइंडर थ्योरम है, द रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स स्टेट्स दैट The remainder theorem states that if a polynomial fx is divided by, अगर एक polynomial को fx को divide करते हैं, divided by a linear function, अगर हम उसको एक लीनियर फंक्शन से डिवाइड करते हैं, लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री क्या हो, वन हो, लीनियर फंक्शन एक्स माइनस के, इसकी डिग्री कितनी है, वन है, एक्स माइनस के, तो जो रिमाइंडर होगा, देन द रिमाइंडर, जो इसका रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर इज वो एफ के होगा, ये इसका रिमाइंडर होगा। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, इसको मैंने डिवाइड किया एक लीनियर फंक्शन से जो कि एक्स माइनस के है, एक्स माइनस के, इसका मैं प्रूफ भी कराऊंगा, तो जो रिमाइंडर होगा वो एफ के होगा, ठीक है। और प्रूफ इसका देखिए कैसे है, प्रूफ देखिए, ध्यान रखिएगा, जब डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड किया, ठीक है, और कोशेंट आएगा और लास्ट में आएगा रिमाइंडर, ठीक है, एंड में क्या बचेगा, रिमाइंडर, ये आएगा। और हम सभी को पता है जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट, और उसमें रिमाइंडर क्या कर दो, ऐड कर दो, तो हमारा डिविडेंड आ जाता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए, मैं लिख देता हूं, लेट क्यू एक्स बी द, क्यू एक्स बी द कोशेंट, अगर क्यू एक्स क्या है, आपका कोशेंट है, क्यू एक्स बी द कोशेंट, एंड आर बी द रिमाइंडर, आर जो है वो रिमाइंडर है, जो एंड में बचेगा, आर बी द रिमाइंडर, देन जो एफ एक्स है वो इक्वल टू हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस के इंटू क्यू एक्स प्लस आर, आर यानी कि रिमाइंडर, एक्स माइनस के इंटू क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है। और अगर हम इसमें के पुट कर रहे हैं तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, सिर्फ आर बचेगा, तो एफ के इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से सॉल्व कर दिया, क्योंकि एफ एक्स को हम डिवाइड कर रहे थे एक्स माइनस के से, तो वही हमने यहाँ किया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस के इंटू क्यू एक्स प्लस आर, और के पुट करने से रिमाइंडर आर ही बचेगा, आप देख सकते हो, तो यहाँ से प्रूफ भी हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम के बाद फैक्टर थ्योरम की। कहानी बड़ी सेम है, सिंपल है, कि जो रिमाइंडर थ्योरम में आ रहा है आर, वो आर यहाँ नहीं आएगा, बाकी सब सेम है। फैक्टर थ्योरम देखिए क्या कहती है, यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, फैक्टर थ्योरम में आएगा, फैक्टर थ्योरम स्पेशल केस है रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम इज स्पेशल केस, ये स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम,
ये रिमाइंडर थ्योरम का ही एक केस है जिसमें रिमाइंडर आने ही नहीं वाला। ठीक है, कैसे? देखिए मैं इसको समझाता हूँ। एफ एक्स को अभी आपने पढ़ा, लेट कर लेता हूँ मैं यहाँ। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस के इंटू क्यू एक्स प्लस आर, ये हमारा फैक्टर थ्योरम से आएगा। और अभी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि रिमाइंडर थ्योरम से ही आएगा, और ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है कि आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, एफ के। ठीक है, क्या पुट कर दीजिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस के इंटू क्यू एक्स और प्लस क्या आ जाएगा, एफ के। आर की जगह क्या आ जाएगा, एफ के। ठीक है, और वेन आपने एक्स की जगह पे पुट कर दिया कि समझ लो वेन वेन एफ के इक्वल टू जीरो, अगर एफ के जीरो हो गया तो इसका मतलब ये पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस के इंटू क्यू एक्स, ये आ गया। देयरफॉर एफ एक्स इज एग्जैक्टली, यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर एफ एक्स इज एग्जैक्टली, एफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल, एफ एक्स जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, डिविजिबल बाय एफ के, क्योंकि एफ एक्स अगर एक्स माइनस के इंटू क्यू एक्स आ गया तो रिमाइंडर तो आने नहीं वाला। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा एक्स माइनस के से। एफ के लिखा है या आप इसको लिख लीजिए एक्स माइनस के, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, एफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स माइनस के, तो यहाँ मैं एक्स माइनस के लिख देता हूँ, डिविजिबल बाय एक्स माइनस के। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, थ्योरम समझ आ गई होंगी दोनों, फिर इसके बेस्ड हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।